ऑप्टेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जहां पे हमें किसी ना किसी तरह की विश, विल, डिजायर, प्रेयर और कर्स की फीलिंग आती है। ध्यान से देखना, ऑप्टेटिव को ना बेटा हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, यानी हर उस तरह का वाक्य जिसमें किसी ना किसी तरह की फीलिंग को दिखाया जा रहा है जो इच्छा से संबंधित है। मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ये करूंगा, मुझे ये चाहिए, मैं ये बनूंगा, इस तरह की, भगवान आपको खुश रखे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, इस तरह की जो लाइनें बोलते हो ना जिसमें अपनी इच्छाएं प्रेजेंट करते हो उसे इंग्लिश कहती है ऑप्टेटिव। इसमें ये पांच तरह की फीलिंग्स दिखाई जाती हैं। और मजेदार बात पता है क्या है, बड़े सारे बच्चों को इन पांचों का फर्क नहीं पता होता, तो यहां पे बहुत कुछ नया सीखोगे, ध्यान से सुनना। विश हमेशा उस इच्छा को कहते हैं बेटा जो हमारी है पर दूसरों के लिए। विश उन इच्छाओं को कहा जाता है जो हमारी हैं पर दूसरों के लिए। ऐसी इच्छा जो हमारी है पर दूसरों के लिए, जैसे मैं कह रही हूं मेरी इच्छा है आप सब इंग्लिश सीख जाएं, आप सफल हों, आपको जीवन में खुशियां मिलें, आप हमेशा खुश रहें, आपकी उम्र लंबी हो, इस तरह की चीजों को कहा जाता है विश। ठीक है, अब डिजायर क्या होती है, हमारी हमारी हमारे लिए छोटी छोटी इच्छाएं। मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए, डिजायर है। पेन खत्म हो गया, लिखने के लिए पेंसिल उठा ली, डिजायर है। थक गया हूं, पसीने आ रहे हैं, फैन चला दो, चल गया है, डिजायर है। मतलब हमारी ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं जिसे पूरा करना बड़ा आसान है उसे डिजायर कहते हैं, जबकि विल उसे कहते हैं बेटा जो हमारी इच्छाएं हैं हमारे लिए और पूरी नहीं कर पा रहे हम। चलो, तो विश क्या हुआ, हमारी इच्छा दूसरों के लिए, विल क्या हुआ, हमारी इच्छा हमारे लिए जिसको पूरा होने में कष्ट हो, स्ट्रॉन्ग डिजायर। डिजायर क्या हुआ, हमारी इच्छा हमारे लिए छोटी छोटी जो आसानी से पूरी हो जाए, जो आसानी से पूरी हो जाए उन्हें हम कहते हैं डिजायर। प्रेयर क्या होती है, हमारी इच्छाएं जो हम भगवान के सामने प्रस्तुत करें। कर्स क्या होती है, हमारी इच्छा दूसरों के लिए पर बुरी, हमारी इच्छा दूसरों के लिए पर बुरी, हमारी इच्छा दूसरों के लिए पर बुरी, उसे हम क्या कहते हैं, कर्स कहते हैं। फिर से सॉर्टेडली बताती हूँ, ध्यान से सुनना। पहली बात यह है बेटा, विश हमारी इच्छाएं दूसरों के लिए अच्छी, भगवान आपका भला करे, ये विश है। भगवान आपका सत्यानाश करे, ये कर्स है, समझे। तो जब हम दूसरे के लिए कुछ बुरा चाहते हैं ना तो वो कर्स होता है, जब हम दूसरे के लिए अच्छा चाहते हैं तो वो विश होता है। हमारी इच्छाओं की फीलिंग वाले सेंटेंस, हाँ यस ओम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। विल होता है हमारी इच्छाएं जिन्हें पूरा करने में ताकत लग रही है, जैसे आप अमीर बनना चाहते हो ताकत लगेगी, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ताकत लगेगी, आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो ताकत लगेगी, आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो भी ताकत लगेगी, तो इस चीज को कहते हैं विल। विश डिजायर क्या होती है, खाना खाना है, पानी पीना है, सोना है, यार बातें करते हैं, यार फोन मिला लेता हूं, ये क्या होती है बेटा, ये हमारी डिजायर्स होती हैं। प्रेयर होता है जो हम भगवान से मांगे। देखो एग्जांपल से बताती हूँ, जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना बेटा वो मे से शुरू होते हैं और एक्सक्लेमेटरी साइन पे खत्म, हमेशा। जब भी आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव होगा ये शॉर्टकट पक्का चलेगा, सेंटेंस मे से शुरू होगा और एक्सक्लेमेटरी साइन पे खत्म, सेंटेंस में से शुरू होगा और एक्सक्लेमेटरी साइन पर खत्म हो जाएगा।